तो भाई साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है। लेकिन यार एक चीज है, देखो सेल के दौरान अपना रिसर्च करने का इतना टाइम नहीं रहता। उस टाइम पे रिसर्च करना, ये चीज फाइनल करना कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए पूरी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जब सेल स्टार्ट होगी आपको ये चीज पक्का पता होगी कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, सीधा डिस्काउंट अप्लाई किया एंड अपना प्रोडक्ट ऑर्डर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टैबलेट्स की। 10 से 15 हजार तक के टैबलेट्स आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि 12 से 14 हजार के अंदर जो भी हमें टैबलेट मिलते हैं, देखो 2-3 हजार का डिस्काउंट तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज रहने वाली है सेल के दौरान। 15,000 का टैबलेट 10,000 के अंदर हमें इजीली मिलना चाहिए सेल के दौरान। तो मैं आपको सिर्फ 5 ही ऐसे टैबलेट बताऊंगा जो कि इस पीरियड के अंदर सबसे बढ़िया टैबलेट्स रहेंगे। जैसे कि अपनी वीडियो का सबसे पहला टैबलेट है लिनोवो का टैब M10 Gen 3। ये प्योर एंड्रॉइड टैबलेट है, इसके अंदर आपको कोई भी फालतू की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस नहीं मिलती है। 10 से 11 हजार रुपए इसका करंट प्राइस है। बैक से तो अपना जो टैबलेट है वो सारा मेनली मेटल का ही है, थोड़ी सी एक साइड पे पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, लेकिन इससे ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़िया हो जाती है अपने टैबलेट की। डुअल स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी एटमॉस, 10.1 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले, 100% sRGB, 300 Hz की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। यूनिसॉफ्ट T610 प्रोसेसर मिल जाएगा। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 2.5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। इसका जो मेन कैमरा वो हमें 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। मेन कैमरा से हम फुल एचडी 30 FPS भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो हमें 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 11 मिलता है, बट इट इज अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 12। वाईफाई ओनली टैबलेट है। देखो इस पीरियड के अंदर हमें जो भी ढंग के बढ़िया वाले टैबलेट मिलते हैं ना, वो ओनली वाईफाई मॉडल ही मिलेगा। अगर आपको इसी बजट के अंदर वाईफाई प्लस सिम वाला मॉडल चाहिए ना, तो किसी ना किसी चीज से तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो चीज मैं आपको करने नहीं दूंगा। हमेशा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, वही मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। टाइप सी 10 वॉट का चार्जर हमें साथ में मिल जाएगा। 5100mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है इस टैबलेट के अंदर हमें। एंड ये टैबलेट इस पीरियड का बना होती है हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है। देखो भाई लिनोवो का टैबलेट है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आ रहा है, एकदम ही कमाल की चीज है। आंखें बंद करके आप इस टैबलेट को बाय कर सकते हो, इतना अच्छा टैबलेट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, सैमसंग का टैबलेट बताता हूं आपको, सैमसंग गैलेक्सी टैब A9। इसका जो प्राइस है वो 13,000 के करीब है। मेटल की बॉडी के साथ ही बड़े मिनिमल सा डिजाइन है इसका। फॉर्म फैक्टर एकदम ही कॉम्पैक्ट है, आसान भाषा में आप इसे बड़ा फोन कह सकते हो। फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है। एंड ये भी टैबलेट इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है। 8.7 इंचेस की एचडी प्लस टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मिल जाती है। 1340x800 पिक्सल, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर मिल जाएगा। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4,20,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। भाई इसका जो मेन कैमरा ना 8 मेगापिक्सल का दिया गया, उससे 1080p 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा से HDR 30 FPS, एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा आपको इसके अंदर। ये भी एकदम ही क्लीन यूआई के साथ हमें मिल जाएगा, कोई भी फालतू की एप्लीकेशन हमें इसके अंदर भी नहीं मिलती है, ये चीज काफी बढ़िया है। वाईफाई ओनली टैबलेट है, टाइप C2C, 15 वॉट का चार्जर हमें साथ में मिल जाएगा। 5100mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ इसका भी जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल ही सेम है। 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप हमें नॉर्मल यूजेज के ऊपर मिल जाता है। आप इस टैबलेट के ऊपर गेम्स खेल सकते हो, फ्री फायर बड़े आराम से चलती है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी बड़े आराम से चल गई थी। टोटली वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है, अगर आपने कभी कभी ओकेजनली गेम्स भी खेलनी है, परफेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, ऑनर का पैड X8 है, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है इस पैरेट के अंदर। एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो सबसे बड़ा है, 10.1 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है हमें 9,000 रुपीज के अंदर सिर्फ। भाई इसका करंटली प्राइस तो 8,500 रुपीज चल रहा है, लेकिन 9,000 का ये टैबलेट आपको 10.1 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ में मिलता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, 8-bit डिस्प्ले है, मेटल की बिल्ड के साथ ही 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। मीडियाटेक MT8786 प्रोसेसर मिल जाएगा। 3GB रैम, 32GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 512GB। 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 1080p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर लो उससे आप। 2 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। वाईफाई ओनली टैबलेट है, एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा आपको इसके अंदर। USB-C 10 वॉट का चार्जर हमें साथ में दिया गया। 5100mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही 6 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एकदम ही शानदार टैबलेट, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो इसी टैबलेट का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ, जिसके अंदर आपको 2K रेजोल्यूशन मिल जाती है 12 इंचेस के डिस्प्ले के साथ। उसका प्राइस 18,000 के करीब है। नेक्स्ट इज Redmi Pad SE, 13,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। एल्युमिनियम के बिल के साथ ही क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्प्लिट स्क्रीन फीचर को ही अपना टैबलेट सपोर्ट करता है। 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट के साथ ही 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिल जाती है। 11 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, ये टैबलेट अभी इसी साल लॉन्च हुआ है एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टैबलेट है ये। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है। 11 इंचेस की फुल एचडी प्लस, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 70% NTSC। इसके जो कलर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, अगर आप इसके ऊपर मूवीज देखते हो, कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या फिर आप कुछ भी देख रहे हो ना, इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको दी बेस्ट मिलेगा। स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है, 2,86,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 1TB तक इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। बैक कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। मेन कैमरा से हम 1080p 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा हो गया एंड इसके अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा। वाईफाई ओनली टैबलेट है, USB-C 10 वॉट का चार्जर साथ में दिया गया। 8000mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ नॉर्मल यूजेज के ऊपर आपको इस टैबलेट के अंदर 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। BGMI बहुत ही स्मूथ चलती है,
गेमिंग मोड आता है इसके अंदर डेडिकेटेड गेमिंग करने के लिए। कॉल ऑफ ड्यूटी 60 FPS तक मिल जाते हैं बड़े आराम से। बहुत ही शानदार टैबलेट है, जरूर कंसिडर करो। इसका भी जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडमी पैड 15,500 रुपए इसका करंट प्राइस है। अगर आपने थोड़ी बहुत स्टॉक ट्रेडिंग करनी या फिर अपने रेगुलर यूजेज के लिए टैबलेट बाय करना है, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल काम भी करना चाहते हो ना, ये टैबलेट सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर मिल जाता है। तगड़ा प्रोसेसर 8 कोर्स वाला, 6 GB की रैम मिल जाती है जो कि इस पैड के दूसरे किसी टैबलेट के अंदर आपको नहीं मिलती है। एंड साथ में 128 GB स्टोरेज, एंड इसकी भी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। मेन एंड फ्रंट दोनों कैमरा आपको 8 MP के मिल जाते हैं, दोनों से आप 1080p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो भी एकदम ही शानदार है, 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 10.61 inches की 2K LCD 2000x1200 pixels, 10-bit डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट है एंड 400 nits की ब्राइटनेस के साथ ही मेटल की बॉडी मिल जाती है। टोटली ड्यूरेबल टैबलेट है ये भी। एंड 12 मिल जाएगा आपको इसके अंदर भी, वाईफाई ओनली टैबलेट है, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन है, डुअल बैंड वाईफाई के साथ ही USB-C, 22.5W का अडैप्टर हमें साथ में मिल जाएगा। लेकिन ये जो टैबलेट अपना वो 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 8000mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही एक पूरे दिन का लंबा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बहुत ही स्लिम बॉडी है, दिखने के अंदर एकदम ही सुंदर लगता है अपना टैबलेट। एंड इसके जो स्पीकर्स है वो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। आपको इसके अंदर फ्री YouTube मिल जाएगा, 3 साल की सिक्योरिटी के साथ ही 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स हैं। बेस्ट ऑलराउंडर टैबलेट मैं इसे कह सकता हूँ, जरूर कंसिडर करो इस टैबलेट को। देखो भाई, 15,000 के अंदर दूसरा ऐसा कोई टैबलेट नहीं है जिसके अंदर आपको पूरे एक दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा हो। शानदार टैबलेट है, आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 15,000 रुपए है। तो ये थे सबसे बढ़िया टैबलेट 10 से 15,000 के बजट के अंदर। आपको इनमें से सबसे बढ़िया टैबलेट कौन सा लगा वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सेल से रिलेटेड आपको किस प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए वो चीज भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अगर कोई भी क्वेरी है तो वो चीज भी आप मेंशन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।